जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल टेक ओनली पर। तो दोस्तों आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ व्हाट्सएप पर आने वाली अपडेट्स का अपडेटेड वीडियो। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूँगा जो पिछले हफ्ते यानी कि 5 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में व्हाट्सएप के इंटरफेस में जो जो चेंजमेंट किए गए हैं, उसकी सेटिंग्स में जो जो चेंजमेंट किए गए हैं, उन सभी की अपडेट आज मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों व्हाट्सएप बीटा पर ये सारे अपडेट्स आ चुके हैं और अगर आप इन सभी में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला अपडेट जो निकल के आ रहा है वो सबसे गजब का है और लाजवाब है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी आप लोग स्टेटस देखने के लिए अपने विंडोज को स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, मतलब अगर आपने किसी पर्टिकुलर फ्रेंड का स्टेटस देखना है तो आपको स्टेटस लिस्ट में उसको देखना पड़ता था, स्क्रॉल करना पड़ता था। लेकिन जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, अब व्हाट्सएप आपको स्टेटस पर अपडेट्स के नाम से, जो अपडेट्स नाम का नीचे इंटरफेस में सेक्शन आ चुका है ना, इसमें आपको अपडेट्स में ऊपर सर्च का ऑप्शन दे देगा जिसमें दोस्तों आप अपने दोस्त का स्टेटस सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगला बड़ा अपडेट निकल के आया, वो ये है कि अभी आप वॉइस मैसेज भेजने के लिए बटन पे टैप करते थे, वॉइस बटन, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अब वीडियो फुटेज भेजने का भी ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर आपको जैसे ही उस बटन पर थोड़ी देर आप टैप करके रखेंगे तो इस तरीके का जो मेन्यू है वो आपके सामने खुल करके आएगा और आप अगर चाहते हैं कि आप उसको वॉइस मैसेज भेजें या आप चाहते हैं कि आप कुछ सेकंड का उसको वीडियो मैसेज भेजें तो आप अब इस वाले फीचर का यूज करके उसको वॉइस या वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो नया अपडेट निकल के आया है वो ये है कि अभी तक दोस्तों आप लोग देख पा रहे थे कि व्हाट्सएप पे आपको कम्युनिटी का फीचर मिलता था, लेकिन व्हाट्सएप के बिजनेस वाले ऐप पर आपको कम्युनिटी का फीचर नहीं मिलता था। तो दोस्तों अब आप जब 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप व्हाट्सएप बिजनेस में भी कम्युनिटी बना सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बना करके आप 2000 लोगों को ऐड कर सकते थे एक कम्युनिटी में, जो कि एक ग्रुप से कहीं ज़्यादा मेंबर्स को आप इसमें ऐड कर सकते थे, जो कि फिलहाल दोस्तों अभी तक व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल ऐप में ऐसा फीचर नहीं था, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने मिलेगा व्हाट्सएप के बिजनेस ऐप में। फिलहाल इसी के साथ दोस्तों जो अगला बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है वो दोस्तों निकल के आ रहा है व्हाट्सएप के मैसेजेस को पिन करने का। जी हाँ, आप किसी चैट पर जाकर के, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, अभी तक दोस्तों फिलहाल किसी मैसेज को आप पिन नहीं कर सकते थे। जैसा कि आपको पता है कि टेलीग्राम पर आप किसी भी मैसेज को पिन कर सकते हैं ऊपर, ताकि कन्वर्सेशन में आसानी रहे, आसानी इन द सेंस आप अगर किसी भी मैसेज को लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं या उसको रिमाइंड रखना चाहते हैं, दिमाग में रखना चाहते हैं, तो इस तरीके का फीचर व्हाट्सएप में अब दे दिया गया है या आगे आने वाली जो अपडेट्स हैं उनमें आपको देखने को मिल सकता है कि वहां आप अपने मैसेज को 7 डेज से 30 डेज तक दोस्तों, या आप चाहते हो तो उसे 24 घंटे तक अपडेट रख सकते हैं अपनी चैट्स पे, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो जो अगला बड़ा अपडेट्स निकल के आया है वो ये है कि व्हाट्सएप चैनल का जो फीचर था अभी तक iOS मॉडल पे नहीं दिया गया था, ठीक है, यानी कि जो iPhone यूजर्स थे वो व्हाट्सएप चैनल का फीचर नहीं यूज कर पा रहे थे। तो दोस्तों इस वीक में आपको iOS पे भी WhatsApp के चैनल का फीचर देखने को मिल जाएगा या काफ़ी सारे लोगों को मिल चुका है। अगर आपके पास नहीं है तो iOS के प्ले स्टोर पर जाकर के अपने WhatsApp को अपडेट कर सकते हैं और वहां से इस फीचर को यूज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जो अगला बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है वो WhatsApp का काफ़ी धमाकेदार है, मतलब कि इससे पहले आप लोग दोस्तों अगर कोई भी इवेंट करते थे या किसी भी आप इवेंट इन द सेंस आप किसी को भी रिमाइंड कराना चाहते थे तो आप यहां से आप देख सकते हैं कि जब आप इस पैनल पर क्लिक करते थे तो कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते थे जैसा कि डॉक्यूमेंट्स का, तो यहाँ आपको नीचे एक इवेंट्स का मैसेज या इवेंट्स का सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसका यूज करके आप दोस्तों इवेंट वगैरह सेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फ्यूचर की डेट को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो अगला बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है वो व्हाट्सएप के इंटरफेस को लेकर के है, जो बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि अब आप जहां पर 3 डॉट होते थे वहां पर अपनी DP का आइकन आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करूँ तो यहाँ पर WBI, यहाँ पर आपको आपकी अपनी DP देखने को मिलेगी और आप उस पर क्लिक करके बाद बाकी फंक्शंस का यूज़
कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों जो अगला बड़ा अपडेट निकल के आया है वो ये है कि जो लोग व्हाट्सएप वेब यूज करते थे वो लोग अब दोस्तों डेट के हिसाब से, यानी कि आज जो डेट है उससे आप बैक डेट पर जा करके किसी भी डेट के सारे मैसेजेस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल से आपको इंटरफेस में दिख रहे ऑप्शंस के यूज करके, आगे फिलहाल आपको बताऊंगा कैसे क्या होगा, लेकिन फिलहाल अब आप जो पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करेंगे उस डेट के आप मैसेजेस देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है, पहले तो आप इस वीडियो को देखिए, इसमें दोस्तों क्या हो मिल रहा है आपको नया फीचर कि अब आप लॉगिन करने पर अपने थंब को रजिस्टर कर सकते हैं। जी हाँ, पहले क्या होता था, व्हाट्सएप पर लॉगिन करने के लिए आपको व्हाट्सएप की ओटीपी की जरूरत होती थी, लेकिन दोस्तों अब आप अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, यानी आप अगर नया व्हाट्सएप बनाते हैं तो वहाँ पर आपका, आपके मोबाइल नंबर से आपका थंब इम्प्रेशन लिंक हो जाएगा, जिसके माध्यम से आपको बस सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है और अपना थंब में लगाना है, इसके बाद आप आसानी से साइन इन कर सकते हैं। तो दोस्तों बस ये कुछ नए अपडेट्स रहे व्हाट्सएप के जो इस वीक में लॉन्च हुए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और ये जो अपडेट्स हैं ये फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आगे आने वाली जो व्हाट्सएप पे अपडेट्स होंगे, आप लगातार व्हाट्सएप को प्ले स्टोर पर जाकर के अपडेट करते रहिएगा, फ्यूचर में ये सारी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। बाद बाकी आगे के अपडेट्स आएंगे उनकी जानकारी अगर आपको पहले चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।